मेरा भाई नरेंद्र टेंडर लेता था, वो एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको वो टेंडर देता था। मेरे भाई की घरवाली जो है वो डोब गांव की है और बलराज कुंडू बाली गांव का है। उसने जो है जीजा का नाता बना के उसको सब टेंडर देने शुरू कर दिए। आज 6-4-5 साल पहले मेरा पूरा परिवार हस्ता खेलता, फॉर्चुनर गाड़ी बुरी कोठी थी, सारी चीजें थी। बलराज कुंडू की वजह से आज मेरा परिवार सारा रोड पर आ गया और चाय बेचने के लिए मजबूर है। बलराज कुंडू ने हमारे साथ क्या किया, जितने भी हमने धरने प्रदर्शन किए, मुकदमे दर्ज कराए, उनकी बैक में पीछे से जाके झूठे एफिडेविट दे के हमारे सारे मुकदमे कैंसिल करवा दिए। कोई मुकदमा जो है उसके ऊपर नहीं चल सका। बलराज कुंडू जब 350 करोड़ रुपए का आदमी था जब हम काम कर रहे थे, आज ये 7,500 करोड़ का आदमी हो गया और मैं जो है एक चाय के एक दर्जन कप लाने को मजबूर हो जाऊं। ये दास्तान हमारे साथ बीती हुई है। हयात होटल में ये जाता है, वहां मौज मस्ती करता है। इसकी जो है सारी की सारी जो है कर्मचारी जो है इसके अकाउंटेंट वगैरह, उन्होंने सारे फर्जी एग्रीमेंट करे हुए हैं। किसी एग्रीमेंट पर मेरे भाई की साइन नहीं है। इसने हमारे पैसे में से अपने जीजा को ही पैसा दे रखा है। इसने ऐसा बुरा हाल कर दिया हमारे साथ, ऐसा बुरा हाल कर दिया कि हमारे मकान जायदाद आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी 10 गज जगह भी नहीं है। और आज हम जो है पंजाब में चाय की दुकान भी खोल रखी, चाय बेच रहे हैं। नहीं तो इसकी तरह मेरे पास फॉर्चुनर गाड़ी भी थी, क्रेटा भी थी, JCB भी थी, सारी मशीनें थी, सब कुछ था। बलराज कुंडू की वजह से ही जो है मेरा इसने सारा पैसा दबा लिया। कम से कम 200 करोड़ के इसके काम किए, 200 करोड़ के कामों में सिर्फ 15 करोड़ रुपए तो ये हमारे हजम कर गया। हम कुछ लिख के देते हैं, पीछे से जाकर वहां झूठे एफिडेविट बना के दे देता है। ये लो जी हमारा समझौता हो गया जी। पंचायत ने भी एक बार फैसला किया था, उस फैसले के अंदर जो है इसने पैसे 3,83,00,000 रुपये उठे थे, वे भी नहीं दिए। उससे ही मुकर गया, उस फैसले से ही मुकर गया। उस फैसले को दोबारा से बदलवा दिया। पिछले साल महम में जब हम दोबारा धरने पर बैठे थे 2018 में, हमारे साथ मारपिटवाई करवा दी। मारपिटवाई करवाने के बाद हमारे ऊपर दबाव डाल दिया कि जो है पंचायत से बाहर आओ, महम से बाहर आओ, फैसला कर लो, हम तुम्हारा सारा पैसा देंगे, सारा बैंक कर्ज उठाएंगे, मिलकर इकट्ठा काम करेंगे। इसकी बहकावे में आकर, इसकी बातों में आकर मैंने आप लोगों के आगे बयान दिया था यहाँ पर 2018 में। लेकिन इसने कुल 2 करोड़ रुपए देकर उसके बाद 10-15 करोड़ पर पानी फेर दिया और एक फर्जी एफिडेविट 5-8-19 को तैयार करके मैंने नरेंद्र धनगढ़ का कोई पैसा नहीं देना, ये जनता को गुमराह करने के लिए चला दिया। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कराया है। मैं कई बार पंचायत तो हुई, पंचायतों में की कोई बात नहीं स्वीकारी, एक भी बात पंचायत को नहीं मानी, पंचायतों को डराता है, नोटिस देता है उनको। बलराज कुंडू खाली ईमानदारी का चोला उड़ रहा है, ईमानदार नहीं है। मैं उसका एक पूरी झटका भेजी हूँ, 350 करोड़ रुपये था। पौवा तक जो है ना उस टाइम शराब पीता था, ये आज तो मैं नहीं कह सकता पीता है नहीं पीता, उस टाइम शराब पीता था, शराब मांग के पीता था। ये हालात थी, सुखपुरा चौक पर किराए का ऑफिस ले रखा था, सुखपुरा चौक पर किराया तक नहीं दिया जा रहा था। मैं कोर्ट में नौकरी करता था उस टाइम, समय से ही मेरे को ये याद करता था। कई बार कोर्ट में मेरे पास आता था, ये मिलता था, इसलिए मेरी भी जानकारी हो गई। लेकिन मेरा भाई एक अनपढ़ व्यक्ति होने के नाते इसने उसका नाजायज फायदा उठाकर ये सारा का सारा। तो आपका कितना पैसा इसने आपके अनुसार? हमारा 2012 में 10.5 करोड़ रुपया बना था। 2012 में बैंक का ब्याज लग लग के 10 करोड़ तो बैंक का हो गया और कम से कम 15-20 करोड़ आज जनता मेरे मांगती है। जनता मेरे मांगती, मेरा घर में हम यहाँ किराए पर भी नहीं रह सकते, अभी किराए पर रह ले, ऐसा हाल कर रखा है। और बिल्कुल जान से मारने की छान रखी है, ये कहता है कि बर्बाद करूंगा और मारूंगा, जान से तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये जो बस चला रखी है, ये जो कर रखे है, ये तो सारे ढोंग है जी, ये सच्चाई के कागज है जी, बिल्कुल सच्चाई के कागज आप लोगों को देता हूँ। ये
इतना बुरा हाल जो मेरे साथ किया है इसने, आप भी थी, आप मेरी पूरी छानबीन कर सकते हो। तो आपने कौन से काम किए थे इसके जिसका आप पैसा पहले को बता रहे हैं? हमने इसका जी काम किया यहाँ मानेसर में, मानेसर में हमारा काम जो है वो 14/5/15 को हमारा झगड़ा हो गया, पैसे नहीं दिए इसने, पैसे नहीं देता था, जासी में रखता था, दिमा वो काम हमने बीच में ही छोड़ दिया। उस काम का 11/12/15 को दोबारा से एग्रीमेंट फिर लिख लिया पंचायत को, पुलिस को गुमराह करने के लिए, अपने आप जो है कागज तैयार कर लिया, अपने आप एफिडेविट बना लिया कि कोई पैसा नहीं निकल। एक इसका हमने किया गुड़गांव इफको चौक पर, इफको चौक से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक काम किया गुड़गांव में। उस काम को जो है सरकार बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती थी और ये उस काम को अच्छे तरीके से नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार के जो बड़े अफसर थे उनके खिलाफ इसने केस डाल दिए, तो ये वहां पर अच्छे काम नहीं करने होने दे रहा था, इसकी वजह से ही ज्यादा बिगाड़ हो गया। उसी टाइम 13 करोड़ रुपये खड़े हो गए थे, लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर खड़ी हो गई थी, 75 करोड़ रुपया काम वहां पर किया जी, सेक्टर 81/2% में भी जी, और एक यहाँ पर छारा का बाईपास बनाया जी, उसमें जो है राखी वगैरह कुछ डालनी थी आइटम, ये आइटम नहीं डलवाई, और जो है रोड के हर काम में मेरे से नीचे से ऊपर तक काम करवाता था, सरकार से यही पास करवाता था, यही बिल बनवाता था, हमारा तो कोई रोल था नहीं, काम करने करने का रोल था, इसके इंजीनियर ही थे बिल बनवाने में, मेरे भाई के वैसे ही साइन मार लिए, वैसे ही चेक बना दिया। तो अब आप इस पे क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं तो कार्रवाई ये चाहता हूँ प्रशासन से गुहार लगाऊ आपके माध्यम से, भाई मेरी जो है बहुत बुरी हाल हो रही है, देख लो जी आज के मेरा पढ़ाऊ मेरे बच्चे की फीस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, रोड पे ले आ दिया जी, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मेरे को उठा दो जी। अच्छा जी, इससे घटिया इंसान कोई नहीं है जी दुनिया में जी, कोई भी जी, बिल्कुल डराता है, धमकाता है, बोलते हैं तो ये डर लगता है बच्चे को उठा के मारना चाहिए, मरे पड़े हैं जी बिल्कुल। घरवाली मेरा भाई तो दिमागी तौर से पागल हो गया जी, 1 साल से मेडिकल चल रहे हैं उसके जी। मैं तो आपके माध्यम से जी प्रशासन में गुहार लगाना चाहता हूँ, मेरी जो है उसको थोड़ी आगे सुनाई करवा दो, यही है जी दुआ मेरी आपसे जी।